नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक ऑटोमेटिक इमरजेंसी लाइट सर्किट है, तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक पुराना CFL ट्यूब का सर्किट। उसके बाद इस सर्किट से हम इस 4202BD ट्रांजिस्टर और दो पीस 1N4007 डायोड निकाल लेंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 4 वोल्ट LED स्ट्रिप। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट हम इस LED स्ट्रिप के नेगेटिव पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद एक डायोड का एनोड पॉइंट हम इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पॉइंट के साथ और कैथोड पॉइंट हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 100 ओम रजिस्टर और एक मिनी ऑन ऑफ स्विच। उसके बाद इस 100 ओम रजिस्टर को हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ और इस स्विच के ये दो पॉइंट्स के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद स्विच के इस पॉइंट को हम इस LED स्ट्रिप के पॉजिटिव पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम दूसरा डायोड का कैथोड पॉइंट स्विच के इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, यह सर्किट कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक पुराने CFL ट्यूब के सर्किट से एक ऑटोमेटिक इमरजेंसी लाइट सर्किट अपने घर पे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।